जैसा कि सर्वविदित है कि हनुमानगढ़ में जो है रेलवे वॉशिंग लाइन की जो मांग है बड़ी लंबी समय से की जा रही है, और इस संदर्भ में विभिन्न संगठन अपने अपने स्तर पर काम करते भी हैं। और अब हम नए सिरे से दोबारा, वैसे तो हम लोग इसके लिए सन 2009 से लड़ाई लड़ रहे हैं भी, रेलवे हनुमानगढ़ में वॉशिंग लाइन का निर्माण हो, तो इसके अंदर अब हम लोग रेलवे के अधिकारियों से भी मिले हैं, प्रशासन से भी मिल रहे हैं, माननीय मंत्री महोदय से भी मिल रहे हैं। हम लोग अब इस नतीजे पहुँचे हैं भी अब जो अगर हनुमानगढ़ में रेलवे वॉशिंग लाइन का निर्माण करवाना है तो इसके लिए हमें पार्टीबाजी से ऊपर उठकर आर पार की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और मैं आपको एक बात बता दूं, हनुमानगढ़ में जो विकास का रास्ता है ना, ये रेल मार्ग से ही आएगा। और हम लोग चाहते हैं भी जब रेलवे की वॉशिंग लाइन हनुमानगढ़ में बनेगी तो 1000 के करीब लोगों को रोज़गार मिलेगा। तो अब बात रही है भी रेलवे की वॉशिंग लाइन का निर्माण कहाँ किया जाए, तो गांधीनगर इलाके के अंदर रेलवे की बेस कीमती अरबों खरबों रुपये की भूमि जो आज रेलवे के लिए बड़ी उपयोगी है और हनुमानगढ़ शहर के विकास के लिए बड़ी बहुत एक अपना महत्व रखती है, उस पर राजनीतिक संरक्षण से कुछ लोगों ने अपने कब्जे कर रखे हैं और अपने व्यक्तिगत स्वार्थ की वजह से वो माननीय सांसद महोदय को और जो केंद्र सरकार के कुछ नेताओं को बरगलाते रहते हैं। जबकि मैं अब आपको एक बात बता रहा हूँ भी, हम लोग अब जो ये लड़ाई है ये पुरजोर तरीके से लड़ेंगे, और पहले भी हमने लड़ाइयाँ लड़ी है और लड़ी नहीं है, जीती भी है। रेलवे अंडरपास की लड़ाई लड़ी, और भी बहुत सारी लड़ाई है, बिजली घर के लिए लड़ाई लड़ी। तो मैं अब आपको इस बात का आश्वासन देता हूँ भी शीघ्र अतिशीघ्र शहरवासियों से अपील करूँगा भी इस आंदोलन में भागीदार बने, ताकि आने वाली हमारी जो नस्लें हैं, आने वाला जो हमारा भविष्य है वो सुदृढ़ और हनुमानगढ़ का एक रेलवे के मानचित्र के ऊपर एक बड़ा नाम बन के उभरे। और जब तक रेलवे वॉशिंग लाइन का निर्माण नहीं होगा तब तक हनुमानगढ़ को लंबी दूरी की बड़ी गाड़ियाँ नहीं मिलेगी। कितने लोगों का कब्जा है उसमें? 8-10 लोगों ने कब्जा कर रखा है, और 8-10 लोग ऐसे काबिज हैं जिनके पास पट्टाशुदा भूमि भी है और उन लोगों ने वहाँ नाजायज़ कब्जे कर रखे हैं, जबकि रेवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर वो भूमि रेलवे के नाम से बोल रही है, पर ये राजनीतिक उन लोगों को संरक्षण है इसलिए ये काम नहीं हो पा रहा है। और पर मैं मानता हूँ भी जब शासन अपना काम करने पर आएगा तो कितना ही राजनीतिक संरक्षण हो, कब्जाधारी तो एक भी नहीं रहेगा। DRM से मिल रहे हैं और प्रशासन से मिल रहे हैं, रेलवे के बड़े अधिकारियों से मिल रहे हैं और माननीय केंद्र सरकार के मंत्रियों से मिल रहे हैं। इसके लिए हमें जो भी काम करना पड़ेगा, आम जन की एक भावना है भी हनुमानगढ़ में वॉशिंग लाइन का निर्माण हो, और वॉशिंग लाइन निर्माण के लिए जो सबसे अनुकूल जगह है वो यार्ड ही है। यार्ड के अंदर हमारे पास, अब आपको एक बात और बताऊँ, बात थोड़ी लंबी हो जाएगी, हमारे हनुमानगढ़ में लोको यार्ड था, हमारे हनुमानगढ़ के अंदर ARTC थी, ऑक्सिलरी रिलीफ ट्रेन, और ये राजनीतिक उदासीनता की वजह से सारी टूट टूट के कहीं हनुमानगढ़ से सूरतगढ़ चली गई, बीकानेर चली गई। हमारे पास पावर कंट्रोल थी जो सबसे बड़ी थी। आज हमारे जो रेलवे के जॉब लॉस हुए हैं उसका सबसे बड़ा कारण यही है भी, रेलवे के जो बड़े दफ्तर टूट टूट के वहाँ जा रहे हैं। और वॉशिंग लाइन का जब निर्माण होगा तो 1000 लोगों से ज़्यादा को रोज़गार मिलेगा, और जो लोग वहाँ काम करेंगे वो बाज़ार में पैसा खर्च करेंगे, बाज़ार भी खुशहाल होगा। और जब रेलवे के मानचित्र पे हनुमानगढ़ का नाम होगा तो यहाँ बाहर से भी लोग आएंगे अपने उद्योग धंधे लगाने के लिए। और सबसे बड़ी आपको एक उपयोगी बात मैं आपको और बता दूँ, बीकानेर मंडल के अंदर अपने इस साइड में 3 बड़े स्टेशन हैं, गंगानगर, हनुमानगढ़ और सूरतगढ़। गंगानगर की प्रॉब्लम ये है, अभी गंगानगर में पानी है पर जगह नहीं है। सूरतगढ़ की प्रॉब्लम ये है, अभी सूरतगढ़ में जगह है पर पानी नहीं है। और हनुमानगढ़ एक ऐसी जगह है जहाँ पानी भी है और जगह भी है। ज़रूरत है तो इन कब्जाधारियों को हटाने की, और इसके लिए नगर परिषद सभापति जी से भी बात कर रहे हैं, नगर परिषद स्तर पर भी और बड़े स्तर पर भी इस बारे में कब्जा हटाने के लिए कार्रवाई करेंगे। और मुझे उम्मीद है भी हम लोग जल्द से जल्द हनुमानगढ़ में वॉशिंग लाइन मंजूर करा सकते हैं।